जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अजमेर में प्रवेश करने से पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने आरएसएस और एबीवीपी के संस्कारों की भी खुलकर सराहना की। आप देख सकते हैं कि अपनी धरती पर आने के साथ ही यहाँ पर किस तरीके से युवाओं में उत्साह है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिनकी जन आशीर्वाद यात्रा का ये दृश्य है। साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। लगातार इन तस्वीरों में देख रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी धरा पर आए हैं। पहले कैलाश जी से हम बात करेंगे, भूपेंद्र यादव साहब ने सम्मान के तौर पर, कैलाश जी क्या कहेंगे आप इस मौके पर जो बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है? ऐसा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं ये यात्रा पिछले 2-3 दिन से चल रही है और जन आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर ये दर्शा रहा है कि जो कुशासन है राजस्थान के अंदर और जिस तरह से यहाँ आलम बना हुआ है, राजस्थान की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है और इसको ये जनता का आक्रोश भी है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद भी है। और ये आशीर्वाद यात्रा निश्चित रूप से आप सब देख रहे हैं, ये जोश दर्शा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार है यहाँ से जाने वाली है। आपने कई चुनाव देखे हैं, ये जो मिजाज है किस तरीके का नजर आ रहा है युवाओं में? क्या प्रदेश की कांग्रेस सरकार है प्रदेश में? रोजाना आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं लोग, लेकिन इस वक्त जो इस दृश्य को देखकर जो भूपेंद्र यादव जी के सम्मान में यहाँ भीड़ उमड़ी है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की हकीकत अब लोग समझ चुके हैं। 70 सालों की राजनीति में लूट और झूठ का खेल खेला और राजस्थान में जुम्मा 2.5 प्रदेशों में अब उनकी सरकार है जिसमें राजस्थान भी शुमार है। लेकिन 2.5 साल में जिस तरीके का अराजकता का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, किसान कर्जा माफी के वायदा खिलाफी का जो वातावरण बना है, अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, तो मुझे लगता है वो अपने आप में लोगों में एक आक्रोश है जो सड़कों पर उमड़ता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की वो नीतियाँ जिनके कारण जन कल्याण की एक रास्ता प्रशस्त हुआ है, वैचारिक मुद्दों का समाधान हुआ, तो कुल मिलाकर भावनात्मक रूप से भी आज भी राजस्थान का मतदाता और कार्यकर्ता वो मोदी जी के साथ बिल्कुल एकमुखी होकर लगा है। और इसलिए ये प्रतिक्रिया जो सड़कों पर देखते हैं, उन्होंने जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया और योग्य व्यक्तियों को शरीक किया भूपेंद्र यादव जी के सम्मान में, इसीलिए राजस्थान का कार्यकर्ता और जनता सड़कों पर आपको दिखती है। एक और बड़ा सवाल ये कि अब आगामी दिनों में दूसरे जिलों में भी इस तरीके का दृश्य कब नजर आएगा? देखिए, तो लंबी लगातार ये तो एक सिलसिला है जो आने वाले समय में इस सरकार के खिलाफ भी हम बहुत मुद्दों को लेकर जाएंगे। मोदी जी की सरकार के जो सकारात्मक मुद्दे हैं उन लोगों को भी लेकर हम उनके दरवाजे तक जाएंगे। तो स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी तो यात्राओं की ही पार्टी है और यात्राओं से ही हम लोग 300 से 303 तक पहुँचे, तो हमारी जो यात्रा है वो जन कल्याण की यात्रा अनवरत रहेगी। माने कि पंचायत चुनाव के बाद ऐसा होगा? हाँ, निश्चित रूप से ही हम लोग पूरी इसकी एक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लोगों को उनके हितों के और उनकी रक्षा के लिए एक जन आंदोलन के रूप में लोगों को एकत्रित करें और इस 2023 में इस तरीके की भ्रष्ट सरकार को, अराजक सरकार को उखाड़ फेंके। यादव साहब, बड़ा सवाल यह है कि अभी आप जहां पर आपका बचपन बीता, स्कूलिंग हुई, जहां आपके साथी रहे, आज उस धरा पर हैं आप, जहां से आपने बेसिकली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति से शुरुआत की। फिलहाल बस मैं यही सवाल पूछूंगा कि पहला सवाल, कैसा महसूस कर रहे हैं इस धरा पर आकर वापस? अद्भुत, अभूतपूर्व, भावुक, तीनों विषयों को महसूस कर। लंबे समय तक आप संगठन में जुड़े रहे, आपने कभी कोई पद नहीं मांगा और इस बार भी जाहिर सी बात है आपने पद नहीं मांगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को ऐसे में आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आप एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर रहे, स्वराज संकल्प यात्रा में आप लगातार पूरे राजस्थान के आपने दौरे किए थे, उसके बाद भी आप अन्य राज्यों में, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कौन नहीं जानता आपके इस सफ़र को? नहीं, हमारी पार्टी एक विचार और मिशन को लेकर के काम करती है और विचार और मिशन को लेकर के जब हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से संगठन ही अपने आप हमारे लिए योजना और विषय तय करता है। और मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि जो संगठन ने योजना तय करी उसको मैंने अपनी श्रद्धा और शक्ति के साथ पूरा करने का प्रयास किया। और ये जो जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों का जो इतना संकल्प मिल रहा है, मेरे को लगता है कि ये एक सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये आशीर्वाद मेरे को
लोगों की और मजबूती से सेवा करने की प्रेरणा। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में फूट जैसी बातें कांग्रेस आरोप लगाती है, लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं? हम राजस्थान में एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक आधार रहा है, एक संगठनात्मक परंपरा है। हमारी पार्टी में कोर टीम की प्रणाली है और कोर टीम के द्वारा हम सभी विषयों का विचार करते हैं। सामूहिकता के आधार पर निर्णय लेने की पद्धति है और पार्टी के पास एक नेतृत्व की एक सुदृढ़ परंपरा है। इन सब विषयों को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अक्सर कहा जाता है आप बेहद खामोश रहते हैं, सुनते ज़्यादा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं, बोलते बहुत कम हैं, तो कम बोलते हुए आप पार्टी को और ज़्यादा एकजुट करने पर फोकस रहेगा आपका? क्योंकि पूरे देश भर के लिहाज से तो आप देखते ही हैं, लेकिन राजस्थान से खास आपका प्यार से। हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और राजस्थान की टीम हमारी बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। यहाँ इस भीड़ को, इन कार्यकर्ताओं को और इन लोगों को और जनता को देखकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर एक अपार जन समूह उभरा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का आशीर्वाद है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का, जिन्होंने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से। और ये दृश्य है अजमेर का, किशनगढ़ का, जहाँ की धरती पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आए हैं और यहाँ पर पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज।